वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, अच्छा लगे करके वीडियो बनाना चाहिए, तभी तो मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा, कोई देखता नहीं है। क्या ही बोलूँ मैं, बहुत दुख लगता है मुझे इस बात का कि मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ और मेरा वीडियो वायरल। हाँ नैन्सी नया नया बैग टांग के स्कूल जा रही है। आप लोग बताइए इसको स्कूल भेजे कि ना भेजे कमेंट सेक्शन में, लेकिन जब तक आप लोग कमेंट करेंगे तब तक ये जा के आ भी चुका होगा। भाई इनका मन आज भी स्कूल जाने का नहीं है ना नैन्सी, क्योंकि बहुत गर्मी है तो कैसे आदमी जाए, ऊपर से पंखे के तक खराब रहते हैं। गर्मी के मारे नहीं माने, इसको बंद करो आवाज नहीं आती। नैन्सी कभी इधर ढंगा रही कभी इधर, तुम्हारा पैर आ गया। राधे राधे गाइस, सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का मेरे ही चैनल में, खुद के चैनल में। 12 बज चुके हैं, 12 बजने में 5 मिनट आई थिंक है अभी ना नैन्सी। तो नैन्सी स्कूल चल दी हैं नया नया बैग टांग के, वो वाला बैग बच्चों वाला था, खुद से पसंद करके लाई हैं। इसमें छेद हो गया क्या इसमें भी? अरे इसको तो धोने के लिए भी नहीं अंदर रखी कि धो दूँ। टिफिन डाली पैसा लोगी? दोनों बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, पैसा जल्दी नहीं लेते हैं, जब भी दो तो 5-10 रुपए भी नहीं लेते हैं। सुध चलो छोड़ने। हाँ अबे तुम ऐसे ढूंढ करती हुई जाओगी, बाय बाय। फोन करवा देना, कर देना फोन। हाँ टाइमिंग बहुत गलत है स्कूल की, अकेली बेचारी जा रही हैं। अच्छा नहीं लगता इस टाइम स्कूल जाना, पर स्कूल वालों को क्या ही बोले, इतनी तेज धूप है दोपहर में स्कूल बुलाते हैं। बाय रानी, देख के हमको बहुत दुख हो रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। बाहर के रख दिए बिल्कुल से, इधर मैं भी बैठी हूँ सादी सिंपल वाली। अभी सुबह में तरोई की सब्जी और रोटी बनाया था, जो कि मनोज तिवारी को भी टिफिन में वही दिया है, और नैन्सी को भी सब्जी रोटी नैन्सी भी ले गई है। तो अभी चल रहे हैं कुछ और भी देखते हैं, कुछ जायका वाला खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी सोच रहे हैं। अभी इससे पूछे ये क्या खाएगा, ये स्कूल नहीं गया, ये कभी कभी जाता है, हफ्ते में आई थिंक 2 दिन या 3 दिन जाता है, ज़्यादा दिन नहीं जाता। तो थोड़ा हवा ले लूँ, अभी बहुत गर्मी हो रही, रात में पूरी रात बारिश हुई है यहाँ, 4 बजे 4:30 बजे तक बारिश हुई है, लेकिन अभी भी गर्मी वैसी की वैसी है, अपना टेम्परेचर कम नहीं कर रही है। वीडियो में बने रहिएगा। अरे घड़ी दिखाने आ रही थी तो घड़ी बंद है, ऐसे ला दे बोलू दूसरा, बंद पड़ी है। सो गाइस अभी कितना बज रहा है मोबाइल में? 1:30 हो रहा है, और चावल मेरा इधर बन चुका है, और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने दूसरी बार, एक बार बना चुकी हूँ। तो एक बार सब्जी में बनाई थी तोरी की सब्जी जो कि रखी हुई है, और रोटी बनाई थी सुबह टिफिन में दिया तरोई की सब्जी, ये आलू बॉईल किया है। मैं इतने ही बड़े आलू लेके आती हूँ, मीडियम साइज़ वाले, ये बढ़िया होते हैं। और इधर टमाटर ढेर सारा, ये धनिया जो कि धो के थोड़ा सा पंखे में सुखा के तब मैं रखती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होता है, पंखे में सुखाने से पानी इसका सूख जाता है, तो ये सूखता हुआ ऐसे चिपकता भी नहीं, वो ख़राब भी नहीं होता, 2-3 दिन चल जाता है। 2-3 दिन में मैं सब्जी दोबारा लेके ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी सब्जी लाती हूँ 1 से 2 दिन के लिए, ताज़ी सब्जी फिर ले आती हूँ, हफ्ता भर की सब्जी लेके नहीं आती, क्योंकि जब बासी में मिलती है तो क्या बासी सब्जी रखना। तो अभी मैं सब्जी में तड़का लगाने जा रही हूँ, जो कि ढाबा स्टाइल बनाऊँगी, और कई बार शेयर किया है मैंने, फिर आज भी कर रही हूँ, देखिएगा आप लोग। 1 सूखी लाल मिर्च डालूँगी, और ढेर सारा जीरा डालूँगी, आलू जीरे वाला, ये टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर इसी टाइम ऐड करूँगी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट या स्वाद अनुसार, नमक इस टाइम डालने से टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। मसाले
पे गाइज हम इतने गोरे गोरे दिख रहे हैं, आज हम बहुत गोरे दिख रहे हैं क्योंकि हम फिल्टर लगाए हैं और हम नैन्सी को लेने आए थे। अभी 2 बज रहा है और नैन्सी की तबीयत ठीक नहीं थी तो नैन्सी की छुट्टी 5 बजे होती, मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो नैन्सी के स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि नैन्सी की तबीयत ठीक नहीं है, नैन्सी को आके ले जाइए। पेपर इनका हो चुका था तो खाना बना लिया था, गोलू को खाना दे के सडनली भाग के स्कूल आना पड़ा, मतलब कि काम कर रहे हैं घर का और फ़ोन आया तो भाग के फिर स्कूल आए। ऐसा फील कर रही हूँ, इनको लेने आए अब जा रहे हैं घर। अभी हम खाना नहीं खाए हैं, आज हमने सोचा कि आज जल्दी खाना बन गया तो जल्दी खा लेंगे, लेकिन यही होता है ना कि जिस दिन जल्दी बन जाता है तो अभी इधर आना पड़ा, स्कूल आना पड़ा, जिंदगी में बहुत काम है। तो अभी हम घर जा रहे हैं गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है रोड, यहाँ पर पब्लिक चल रही है, बहुत सारी पब्लिक इधर चल रही है, कोई रुकता नहीं, सब भागता रहता है गाड़ी ले लेके, साइकिल ले लेके, रिक्शा ले लेके, और हम भी पैदल पैदल भाग रहा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है मेरा, आप लोग कभी कमेंट करके नहीं बताते हैं, बताया करिए। अब हम लोग घर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, सामने हमारी बिल्डिंग दिख रही है, हमारी बिल्डिंग नहीं है, किराए पे हम लोग रहते हैं रेंट पे, और उधर बहुत सारा सामान भी लिए हैं, दूध लिए हैं, शाम की चाय की व्यवस्था करे हैं और छाछ लिए हैं, मट्ठा, और नैन्सी अपने लिए कुछ लिए हैं। नमस्ते आंटी। तो अभी घर पहुंच रहे हैं, अभी जीना चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके घर में एंट्री हो चुकी है, पसीने में पूरा नहा गई हूँ, अब थोड़ा रेस्ट लूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी, 2:30 बजने वाला है। चीज़ आती है, ये है मेरी रानी का फ़ोन जो कि पूरा टूट के चटनी बन गया है, बेचारी का फ़ोन पूरा ख़राब हो गया है, अब इनके लिए फ़ोन नहीं है तो इनको, अभी तो चल रहा है ये पर पूरा ये टूट गया है बेचारा। और एक मिनट देना भाई साहब फ़ोन, ये मेरी रानी का फ़ोन है लड़की का, ये एक मिनट देना, फ़ोन दिखा रहा हूँ। और ये बड़े लोगों का फ़ोन है जो कि इनका रानी का जो होता है वो टूटा रहता है, बड़े लोगों का नया फ़ोन है, मतलब अभी साल भर हुआ है। तो ये इनका फ़ोन है जितेश तिवारी का, मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ नैन्सी के पास। नैन्सी क्या कर रही हैं, कुछ बना रही हैं, अभी रात के बज रहे हैं 8, क्या बना रही हो, तेल नहीं डाली हो, पानी डाल रही हो, तेल डाली हो, तभी तो पानी डाली थी हाँ? अरे बहन क्या बना रही हो, पसीने में पूरा भीगी हुई है, चंदन भी छूट गया, अभी नहा के आई हो तो क्या तुमको जरूरत थी, ऐसे चावल खा लेती, चावल चावल वो क्या बना रही हो बता तो दो हाँ, फ्राइड राइस बना रही हूँ, अच्छा हो गया ये इतनी सब्जी रखी है, अब सब्जी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी बस। कोई कहेगा मजना, कोई कहेगा दीवाना, हाथ धो के बंद करो, पहले हाथ धो लो, नहीं पूरा उसी में लग जाएगा तो चिपक जाता है। नैन्सी बना रही है फ्राइड राइस विदाउट वेजिटेबल, मेरे पेटीकोट में ना पूछा करो नैन्सी, इसमें इनको वेजिटेबल भी ऐड करना था पर जो वेजिटेबल इनको ऐड करने के लिए इसमें चाहिए वो मेरे पास है नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बीन्स चाहिए होती है, शिमला मिर्च चाहिए होती है, एम आई राइट, और पत्ता गोभी चाहिए होती है, तो वो अभी नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें अभी बनने लायक हैं नहीं तो मैं लाती भी नहीं हूँ। मेरे पास लौकी है और कुंदरू है, टोमेटो है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने डाला ही नहीं, नमक डाल दी, सोया सॉस लाऊं,
सोया सॉस उस दिन गोलू लाए थे तो रखा हुआ है, तो सोया सॉस रखा हुआ है तो इसीलिए ये बना भी रही हैं, नहीं तो अभी तो ये बहुत दिनों से कुछ किचन में डालो। इतना सोया सॉस डाल दिया, ठीक है थोड़ा और डालो, बहुत थोड़ा सा डालना। हाँ डाल दो, बस पकड़ से पकड़ के चलाओ। हाँ इसको थोड़ा सा लाओ दिखाने के, थोड़ा सा मुझे लगा ये ठीक होता है, मुझे पता ही नहीं था ये इतना पानी जैसा होता है, तो मैं उस दिन जब ऐसे ही डाली मुझे लगा ठीक होगा जैसे सॉस होता है, पहली बार तो मैंने देखा था इसको, जैसे ही डाला वो एकदम से गिरने लगा। गिराओ ना आराम से चलाओ, पूरा गैस गंदा कर देती हो। हाँ अरे चलो, इतनी इतने में इतना पसीने भीग गई हो, सब्जी पकाती तो मुझे लग रहा है नहा लेती बिल्कुल से, वो भी नहाई हुई हो पूरा भीगी हो पसीने में, पहले बना लेती तब जाती नहाने। लाओ प्लेट में निकालो। सोया सॉस आप भी खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा इस टाइम, चेक तो करोगे? मैं खाना सिर्फ दो ही टाइम खाती हूँ, तो खाना सुबह में सॉरी दोपहर में 3 बजे और रात में 11:30 बजे। 11 बजे इतनी लेट खाना नहीं चाहिए पर देर हो जाती है, मुझे क्या करूं, और उसके अलावा मैं बीच में कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तुम तो स्नैक्स बनाई हो ना, तुम तो कुछ और जा रही थी बनाने। तो ये है नैन्सी का फ्राइड राइस, कैसा लगा आप लोगों को? विदाउट वेजिटेबल है, मैंने आप लोग को बता ही दिया कि वेजिटेबल जो इसमें डालनी है वो मेरे पास अभी फ़िलहाल में नहीं थी, अगर ये मुझे बताई होती तो मैं ज़रूर लेके आती और शेयर करती, इन्होंने बताया नहीं तो इसलिए ऐसे ही सोया सॉस डाल के प्याज छोटा सा जो भी डाली होंगी, आई डोंट नो क्या डाली है मैंने देखा नहीं, तो यही इनका। कमेंट करके बताइएगा नैन्सी का फ्राइड राइस कैसा लगा आप लोगों को। ओके हमें मैंने फेस पे ढेर सारा बर्फ आइस पूरा ऐसे ऐसे लगाया है, पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही थी इसकी वजह से पूरे फेस पे मसाज किया है। अभी रात के बज रहे हैं 9:30, 9:30 क्या 9:45 हो रहे हैं, और मैं अभी चाय बना रही हूँ अपने लिए, थोड़ी सी दूध उबाल रही हूँ, और अभी रोटी बनानी है, आई हूँ वीडियो ग्रहण करने। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आज कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, फिर भी जैसा भी है प्यार दीजिएगा, मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए भूले जा रहे हैं क्या बोलना, नए ब्लॉग में तब तक के लिए था इस बोल, कैमरा यहाँ रहता है, कैमरे का मुँह हम देखते इधर है, हमसे यही कन्फ्यूजन होता रहता है कि हम इधर देखने लगते, पता नहीं क्यों हमको इधर देख के बात करनी चाहिए, अभी तक समझ ही नहीं आया मुझे कि किधर से क्या करके वीडियो बनाना चाहिए, तभी तो मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा, कोई देखता नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत दुख लगता है मुझे इस बात का कि मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ और मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तब भी लगे रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। बाय बाय गाइज।